वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय वंदना रावल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th आरबीएससी बोर्ड से पोएम हॉर्नबिल से। फर्स्ट पोएम है हमारी फोटोग्राफ। पोएम फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। She sees a cardboard, एक पिक्चर फ्रेम देखती है अपने घर में, उसमें वो फोटो देखती है कार्डबोर्ड में, पिक्चर फ्रेम में। When the two girls cousins, जिसमें दो गर्ल कजिन्स है, दो चचेरी बहनें हैं, went पेडलिंग, जो पेडलिंग के लिए जाती हैं। Each one of holding, जिन्होंने हार पकड़ा हुआ है, of my mother's hand, उन्होंने दोनों ने, जो उनकी कजिन है, उन्होंने उसकी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है, तो उसकी माँ है और दो उसकी कजिन उसके साथ है। पैडलिंग के लिए कहाँ जाती है? सी बीच पे जाती है। एंड शी द बिग गर्ल, और जो माँ है शर्ली टॉल्सन की, कवि की, तो वो सबसे बड़ी है। तो शर्ली टॉल्सन की माँ सबसे बड़ी है और उनके साथ उनकी दो छोटी कजिन है जो हाथ पकड़े हुए सी बीच पे चल रही है फोटो में। सम 12 इयर्स और सो, वो दोनों छोटी बहने हैं कजिन्स, उनसे उनकी माँ और उसकी माँ लगभग 12 साल की है, किशोरावस्था में है वो। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, और इस फोटो में जब हम फोटो लेते हैं तो उसमें सब चीज स्टिल होती है, तो तीनों स्टिल है, शांत है। टू स्माइल, किसके लिए शांत है? वो स्माइल कर रही है फोटो में। फोटो हम रोते हुए खिंचाएंगे तो रोता हुआ आता है, हंसते हुए खिंचाएंगे तो हंसता हुआ आता है, इसलिए फोटो खिंचाने के लिए हमेशा फोटोग्राफ हमसे कहता है कि स्माइल खींचता है कि तुम्हारी याद में हमेशा मुस्कुराता चेहरा रहे। तो उसके भी फोटोग्राफ ने उनसे कहा कि स्माइल, तो वो तीनों स्माइल कर रही है फोटो में। थ्रू देयर हेयर, लेकिन जो समुद्र किनारा है और वहां पे हवा चल रही है, तो उनकी स्माइल तो स्टिल है लेकिन उनके बाल जो थे वो स्टिल नहीं थे, समुद्र की लहरें भी स्टिल नहीं थी, तो वो लहरें उसके बाल उड़ते हुए एट द अंकल विद द कैमरा, जो एक अंकल है जिनसे वो कैमरा से फोटो खिंचा रही है, तो उनके बाल क्या है उड़ते हुए जब फोटो खिंचा रही है, तो उनके जो फोटोग्राफ में जो आ रहा है, तो उनका जो चेहरा आ रहा है स्माइलिंग आ रहा है, लेकिन चेहरे पे उनके हवा की वजह से बाल आ रहे हैं। तो देयर इज अ पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ लेडी शर्ली टॉल्सन्स मदर, जो कि 12 ईयर की है, उसके साथ उनकी दो कजिन है फोटो में, वो फोटो में स्माइल कर रही है, पीछे समुद्र है, समुद्र किनारे पे फोटो खिंचा रही है, दो उनकी छोटी कजिन उनके साथ हैं, और उनके चेहरे पे स्माइल के साथ साथ हवा के साथ साथ चेहरे पे उनके बाल आ रहे हैं। हेयर एंड द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस, स्वीट फेस ब्यूटीफुल। तो जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो सभी को सुंदर लगते हैं, बचपन के फोटो सबके अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, तो उसकी माँ का भी वो इनोसेंट छोटा वाला फेस है, क्योंकि बड़े होने के बाद बच्चे तो माँ का बड़ा फेस देखते हैं, लेकिन उनको उनकी माँ का वो इनोसेंट पेलियर लेडी का फेस नजर आ रहा है, तो स्वीट फेस उसकी माँ का, ब्यूटीफुल फेस माई मदर्स, उसकी माँ का ब्यूटीफुल फेस है इसमें, जो कि 12 ईयर्स गर्ल का है। That was before I was born. और ये फेस उनका तब कब था जब मैं पैदा नहीं हुई थी। She was more beautiful than before I born. मेरे जन्म से पहले वो और ज्यादा सुंदर हुआ करती थी, ऐसा ये फोटो बताता है, फोटो में जैसा हमें नजर आ रहा है। And the sea, लेकिन जो सी है समुद्र है, पीछे सी बीच भी आ रहा है, समुद्र किनारे का फोटो है। Which appears to have changed less. समुद्र आज भी वैसा ही है जैसा कि मैं फोटो में नजर आ रहा हूँ, क्योंकि समुद्र में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वॉट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीस, जो केवल गीली रेत थे, उनके पैरों के निशान थे फोटो में, निशान कदमों के निशान भी आ रहे हैं, तो उनको जरूर समुद्र ने आज वहां पर नहीं होंगे, वो निशान तो उसने मिटा दिए, धो गए समुद्र की लहरों के साथ, लेकिन समुद्र इसके अलावा उसका अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समुद्र आज भी वैसा है, लेकिन और तो बहुत परिवर्तन हुए हैं। क्या परिवर्तन हुए हैं? सम 20-30 इयर्स लेटर, जब उसकी माँ 12 साल की थी, उसके लगभग 20 या 30 वर्ष बाद, जब उसकी माँ कितने की होगी,
32 या 42 वर्ष की हुई होंगी। शी वुड लाफ जब भी वो फोटो देखती एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मींस भी फोटो, जो फोटोग्राफ को अगर वो कभी देखती तो हंसती थी। क्यों हंसती थी? सी बेटी एंड डॉली, कि ये देखो मेरी कजिन्स बेटी और डॉली पहले कैसे दिखा करती थी, कैसी हुआ करती थी। शी वुड से और कहती थी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उन्होंने हमें बीच के लिए किस तरह के कपड़े पहनाए थे, क्योंकि 40-50 सालों में हमारे फैशन भी चेंज हो जाता है। पहले 40-50 साल पहले हम किस तरह के कपड़े पहनते थे और हमें मम्मी और मम्मी पापा बीच पे किस तरह के कपड़े पहना के भेजते थे, देखो उन्होंने हमें कैसे कपड़े पहनाए थे। तो इस तरह से अपनी पुरानी यादें याद करके उसकी माँ भी हंसा करती थी। द सी हॉलीडे, जो सी हॉलीडे जो समुद्र के किनारे वो हॉलीडे मनाने गए थे उनकी यादों को देखकर। वाज हर पास्ट, वो उसका पास्ट था, किसका? उसकी माँ का। भाई वो कभी गए थे जब उन्होंने वहां फोटो खिंचाया था, ये उसका पास्ट था। माइंड इज हर, लेकिन मेरे लिए आज मेरी माँ भी पास्ट है। और उसकी हंसी हर लाकर उसकी हंसी क्यों है? क्योंकि अब उसकी माँ जिंदा नहीं है, अब उसकी माँ मर गई है। तो मेरी माँ के लिए तो वो उसकी यादें पास्ट थी, समुद्र किनारे बीच पे जो उन्होंने हॉलीडे मनाया। लेकिन आज मेरी माँ भी मेरे लिए उसी तरह पास्ट हो गई है जैसे कि उनके लिए वो यादें थी। बोथ राइट, बोथ कौन? मैं और मेरी माँ। हम रोते हैं विद द लेबर इज ऑफ लॉस, कि हमने क्या खो दिया है। माँ ने वो पुरानी यादें खो दी है, ना उन चीजों को वापस लाया जा सकता है, उन दिनों को और बचपन के दिनों को माँ भी वापस नहीं ला सकती थी। और आज मैं भी मेरी माँ को और मेरी माँ की स्माइल को वापस नहीं ला सकती हूँ, ये सब पास्ट हो गया है। इसलिए आज हम बड़ी कोशिश करके भी इस चीज को वापस नहीं ला सकते और ये हमारा पास्ट हो गया है। Now she had been dead. वो अब मर गई है। Nearly as many years, और कई वर्ष हो गए मरे हुए। मेरी माँ को आज मरे हुए कई वर्ष हो गए हैं। As that girl lived, जैसे कि वो लड़की थी जब छोटी थी, जब वो वहां पे 12 साल की लड़की थी समुद्र किनारे। End of these circumstances, और ये जो परिस्थितियां हैं, there is nothing. लेकिन ये तो संसार का नियम है, परिवर्तन होता है, छोटे से बड़े होते हैं और एक दिन हम जीवन के साथ मृत्यु भी निश्चित है, हम जन्म भी लेते हैं, बड़े भी होते हैं और एक दिन मर भी जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में ये जो परिवर्तन आए हैं, जो पास्ट था, प्रेजेंट था और फ्यूचर, ये तो एक कनेक्टिंग कंटिन्यूटी है लाइफ की। तो ये देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, तो इसके बारे में कहने का तो कुछ नहीं है, बस वो पास्ट की यादें थी जो हमें आज भी रुला देते हैं। लेकिन अब क्या बचता है? बचता तो केवल है इट्स साइलेंस। जब हम भूतकाल की यादों को, पास्ट की यादों को याद करते हैं, तो सिर्फ उसको यादों को याद करके सिर्फ एक साइलेंस बचती है। साइलेंसेस, एक याद होती है तो साइलेंस होती है। लेकिन भूतकाल की हमारे साथ कई सारी यादें जुड़ी हुई है, जब हम उन्हें याद करते हैं तो बस साइलेंस के साथ साइलेंसेस आती है और हम एक शांति ही पाते हैं भूतकाल की यादों को पाकर। उन्हें वापस तो ला नहीं सकते, तो यही ये जब हमारे फोटो में ये चीजें कैप्चर हो जाती है, तो इस तरह से कभी शर्ली टॉल्सन इन चीजों को याद करके इसमें यही संदेश देती है, जीवन निरंतरता के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन पास्ट की यादों को हमें इस तरह से संजो लेना चाहिए जिसे हम कभी भी देखें तो वो जिंदा हो जाए। थैंक्स। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। YouTube चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।